नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसपे कई लोगों ने वीडियो बनाए और कई सारे बच्चे इसके प्रति गुमराह हो रहे हैं। विद्यार्थियों, आज के सेशन से मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार रीट पात्रता परीक्षा में क्या बदलाव किए जाने वाले हैं। क्या वाकई में सिलेबस बदलने वाला है या यह केवल एक जुमला है जो फैलाया जा रहा है? क्या वाकई में हमें थोड़ा इंतजार करके तैयारी करनी चाहिए या फिर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए? क्या ऐसे अखबारों की कटिंग में जो हमारी कई सारे अखबार छाप देते हैं, क्या इन पर विश्वास करना चाहिए? मैं आज सब कुछ उजागर करने वाला हूं और एक एक चीज से पर्दा हटाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है, कभी सरकार के द्वारा तो कभी इन अखबारों के द्वारा तो कभी ऐसे शिक्षकों के द्वारा जिन्हें इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं। तो आइए बात करते हैं सबसे शानदार, सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा, इसके बारे में आज हम जानेंगे और आखिरकार देखेंगे क्या वाकई में सिलेबस में बदलाव की जो बयार चल रही है वो सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात क्यों उठ रही है कि देखिए सिलेबस में आंशिक बदलाव किया जा सकता है। पहली बात, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एजुकेशनल रिपोर्टर कोई पता नहीं कौन है और भास्कर एक्सक्लूसिव में ये खबर आई है कि रीट 2024 सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव है, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षा, है ना, परीक्षण करवा रहा है। देखिए, पहली बात तो यहां पर ये कहा गया है कि सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव है, इसका मतलब ये है कि आंशिक संशोधन है ना, पूर्णतया संशोधन नहीं है। और सिलेबस में क्या बदल देंगे आप बताओ, ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते हैं। पहली बात तो ये मांग क्यों उठ रही है, क्योंकि आरबीएसई नहीं सीबीएसई के द्वारा, याद रहे सीबीएसई के द्वारा अपनी पुस्तकों में कई सारे संशोधन छोटे मोटे किए गए। अब ऐसे में आप खुद बताएं और आप एक समझदार विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये बताएं कि क्या वाकई में सीबीएसई हमारी रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाता है? बिल्कुल नहीं, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। ऐसे में सीबीएसई का प्रभाव कोई हमारे बोर्ड परीक्षा पर नहीं आने वाला है, विशेषकर रीट पात्रता परीक्षा पर नहीं आने वाला है। हालांकि अगर फिर भी हम बात करें और ये कहा जाए कि रीट में अगर परीक्षा आंशिक संशोधन होता है, तो पहली बात तो ये सब बातें इसलिए नहीं उठ रही कि वाकई में किताबों में बदलाव है, बल्कि इसलिए उठ रही है क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो राजस्थान की है वो बदली है। लेकिन आप खुद देखें कि सरकार भजनलाल की हो या अशोक गहलोत की, दोनों ही असमंजस की स्थिति में थी और है। आप देखिए कि अभी कई सारे लगभग 53 जिले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे द्वारा बनाए गए थे, भजनलाल सरकार ने उनमें से कई सारे जिले तो सीधी तौर पर कह दिया, निरस्त कर दिया कि हम ये छोटे मोटे जिले नहीं बनाएंगे जो गली मोहल्लों के नाप के, है ना। और अभी सरकार खुद ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वास्तविक आंकड़े क्या है। तो आप क्या इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि वाकई में आपका जीके बदलने वाला है? विद्यार्थियों, ये सब बातें आपको आज कई सारे YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगी, सिलेबस बदल रहा है, आपको यहां से तैयारी करनी, वहां से तैयारी करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रूफ आप खुद देखें, जो खुद बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, इन्होंने आगे आकर एक बहुत अच्छी बात कही है कि एग्जाम का सिलेबस, जो अक्सर युवा मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने कैलेंडर जारी कर दिया, सिलेबस का क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जैसे ही आपके संबंधित विभाग से अभ्यर्थना मिल जाएगी 100% नोटिफिकेशन आएगा। अब ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा है कि तब तक आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी है। अब आप इधर उधर की बातों पर भरोसा ना करके एक विश्वसनीय संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं। और पहली बात तो यह कि विद्यार्थियों, देखिए यहां पर चाहे कुछ भी कहा हो, ये ऐसे अखबार कई बार विद्यार्थियों को आज नहीं बल्कि सदियों से भ्रमित करते आ रहे हैं। यही अखबार है जिन्होंने पिछले साल बीएसटीसी में भी नेगेटिव मार्किंग करवाई थी, कहीं कहा था कि इसका पेपर लीक हो गया है, तो अखबार वाले कुछ भी छाप देते, अखबार वालों ने खुद ने कभी रीट नहीं दिए दोस्तों। तो इनकी बातों पर भरोसा ना करें, अखबार पूर्णतया सत्य होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। अखबार वाले हमेशा अपनी बात को सूत्रों के अनुसार लिखते हैं और इन सूत्रों से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। अगर सिलेबस में बदलाव होता भी है तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा 2-5% हो सकता है, इससे ज्यादा कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला। और 2-5% में भी खुद आपको पता है कि नए जिले बने तो नए जिलों से संबंधित सवाल आ सकते हैं। बस यही कुछ आपको अभी सीईटी पात्रता में भी देखने को मिला होगा, और सीईटी में भी जो सवाल पूछे गए आप देख रहे हैं ना कि सीईटी में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हो के सवाल बहुत अलग नहीं पूछे गए। तो ऐसे ही रीट पात्रता परीक्षा है, और वो पात्रता परीक्षा में आपसे कोई बहुत बड़े सवाल जो पूर्णतया नए सिलेबस पर आधारित होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। तो आगामी जो हमारे जनवरी माह में आयोजित होने वाली है ये रीट पात्रता परीक्षा, इसको लेकर के मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक कि नया सिलेबस नहीं आ जाता है, और नया सिलेबस आ भी जाएगा तो आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिलेबस को बदल दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, पुराने सिलेबस को आधार मानकर ही, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आलोक राज जी ने कहा है, पुराने सिलेबस को आधार मानकर ही तैयारी करनी है और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। काफी सारे लोग बहुत सारी वीडियोज बनाकर डाल रहे हैं सिलेबस में बदलाव जानिए क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस रीट पात्रता परीक्षा को जितना हम लक्ष्य परिवार के सभी मेंटोर्स ने, हम सभी टीचर्स ने पास से देखा है, करीब से देखा है, शायद ही उतना किसी और संस्था ने देखा होगा, क्योंकि हमने रीट भर्ती परीक्षा में जो अपना परचम लहराया है, काफी विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया है ना, और वो सिलेक्शन इन सूत्रों के हवाले से नहीं हुए हैं, वो असली मेहनत से हुए हैं, सिलेबस को आधार मान के हुए हैं।
ऑथेंटिक और एक्यूरेट पढ़ाई के आधार पर हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी अगर आप एक समझदार विद्यार्थी हैं तो आपको इधर उधर की बातों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये अखबार वाले कुछ भी छाप सकते हैं, इनकी बातों पर पूर्णतया भरोसा ना करें। ऐसे में आप समझदार विद्यार्थी होने के नाते पुराने विगत प्रश्न जो पूछे गए हैं उसी के सिलेबस को आधार माने, विगत बढ़ती के सिलेबस को आधार मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखें, और कोशिश तो ये करें कि अपना पूरा फोकस रीट पात्रता की बजाय मेंस एग्जाम पर रखें। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पात्रता परीक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, पात्रता परीक्षा में आपको लगभग 60% अंक लेकर आने रीट पात्रता परीक्षा में। ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप देखिए कि अगर संशोधन होगा भी तो आपको पता है विद्यार्थियों की संशोधन की अगर मैं बात करूं तो संशोधन के लिए उनके पास क्या जगह बचती है। देखिए आपका जो रीट होता है ना, रीट का जो पेपर है विद्यार्थियों, इसमें आप पाएंगे कि चार पार्ट में बटा होता है ना। एक होता है आपका जीके जो कि 60 नंबर का है, लैंग्वेज 1 30 सवाल, लैंग्वेज 2 30 सवाल, और रही बात बची हुई तो वो है आपकी साइकोलॉजी, और उसके भी हैं 30 सवाल, है ना। तो आप बात बताएं, क्या साइकोलॉजी में कोई बदलाव संभव है, क्या थोंडाई को उठाकर किसी और शिक्षा मनोविज्ञान की जगह किसी और का हम जनक मान सकते हैं क्या, क्या पावलो कुत्ते की बजाय बिल्ली पर प्रयोग कर पाएंगे क्या, क्या हिंदी के और जो हिंदी और संबंधित लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू पंजाबी गुजराती सिंधी जो भी, क्या इनमें कोई बदलाव किया जा सकता है, क्या संज्ञा सर्वनाम में बदल सकती, नहीं होने वाला है। बदलाव होगा तो वो भी यहां, और वो केवल केवल याद रखें 2-5% के बीच होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब आपको अपनी तैयारी अभी कौन से सिलेबस से करनी चाहिए, जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पर करते रहने चाहिए। और याद रहे, क्योंकि यह केवल पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा में अगर आपने मुझे भी अपना पूरा टाइम दे दिया तो ये पात्रता परीक्षा में आपके आसानी से निकलवा दूंगा, है ना। क्योंकि आप देखिए, पात्रता में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की अगर बात करें तो 150 में से आधा पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। रही सही कसर जीके की, तो वही पूछा जाएगा। अब आप खुद देखेंगे मेले त्योहार उसमें क्या पूछ सकता है, वो आपको वही पूछेगा जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और आपने अभी कई सारे एग्जाम खुद ने भी दिए हैं, तो आप चिंता ना करें, ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। तो अपनी तैयारी जारी रखें, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और बिना घबराए विश्वसनीय संस्थानों के जो अध्यक्ष हैं, ये कोई बात कह रहे तो सोच समझ के कह रहे होंगे, है ना, तो इनकी जो साख है उस पर भरोसा करें। ऐसे अखबारों की कटिंग पर भरोसा ना करें। और कोई भी जब सिलेबस चेंज करने के लिए हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक समिति बनाई जाती है, समिति में कुछ एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, और अगर उन्हें लगता है तो परिवर्तन होता है, वरना नहीं होता है। और याद रहे, CBSE की किताब में बदलाव हुआ है, RBSE में अभी वर्तमान में नहीं हुआ है, तो इस बात पर आप फिर से अपना संशय दूर कर लें, कोई बदलाव बड़ा नहीं होने जा रहा है। रही बस सही बात अगर नए जिलों की है तो 2026 में जब परिसीमन होगा, मैंने पहले दिन से कहा था तब एक्यूरेट डेटा आएगा, तब हम कुछ कह पाएंगे, तो अभी 2026 यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। आप अपनी तैयारी जारी रखें, और फिर से आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपकी तैयारी को और भी अच्छे मजबूत बनाने के लिए और आपकी तैयारी को निरंतर सतत बनाने के लिए ये दिवाली सबसे बेहतर होने वाली है प्यारे साथियों, क्योंकि ये दिवाली पर लक्ष्य परिवार आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है 21-28 अक्टूबर के बीच 90% अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, 90% का डिस्काउंट लक्ष्य क्लासेस एप्लीकेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दिया जा रहा है, और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, और वो भी 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो याद रहे, ऐसा स्वर्णिम मौका पूरे साल में 1 या 2 बार ही मिलता है, तो ये दिवाली सिलेक्शन वाली बनाने के लिए आज ही जाएं, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें लक्ष्य परिवार के साथ। आप सभी विद्यार्थी यदि ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 6 नवंबर को प्रातः 10 बजे शुरू होने जा रहे हैं सभी निःशुल्क सेमिनार, और इसमें आपकी तैयारी के लिए हमारे सभी विषय विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद होंगे, मैं मौजूद हूँगा, आनंद सर हमारे साथ होंगे। और आपको यदि ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़ना है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, है ना, रीड कॉन्स्टेबल LDC SI चतुर्श्रेणी टैक्स असिस्टेंट वनपाल वनरक्षक जेल असिस्टेंट वीडियो जो भी, तो उसके लिए आपको सीधा इस दिवाली ऑफर के तहत सभी बैचेज की फीस में ऑफलाइन में दिया जा रहा है सीधा 5,000 तक का डिस्काउंट। तो देर नहीं करनी है, आज ही जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर पूरा करना है ताकि आप अपनी तैयारी और मजबूत तरीके से कर पाएं। अभी भी आपको रीट पात्रता को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि रीट पात्रता की जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरा दायित्व है कि आपके हर सवाल का जवाब दूं, तो मैं इंतजार करूंगा आपके हर डाउट का। विद्यार्थियों याद रहे, आपके बड़े भाई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अपने सारे डाउट मुझसे क्लियर करें। विश ऑल द बेस्ट, हमेशा आपकी तैयारी में और आपके साथ आपकी परीक्षा में प्रतिबद्धता के साथ खड़ा रहेगा ये लक्ष्य परिवार, ये वादा है अंतिम समय तक का, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, और हम हर बच्चे का जो सपना है वो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और उसको कभी नहीं टूटने देंगे। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और अलविदा कहना चाहूंगा। याद रहे, तैयारी जारी रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।